أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In learning with Abid Hussain channel, this is lecture number 3. In today's topic, I have explained a very good issue for all librarians and general people, that what is a library, types of libraries. तो आज के इस लेक्चर में मैं कि लाइब्रेरी क्या है और लाइब्रेरी के टाइप्स क्या है तो इस पर इंशाल्लाह डिस्कशन भी होगी. साथ ये भी मैं जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से खासकर पाकिस्तान में लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट में उनके लिए इंतहाई कारामद है. आप इस तरह की वीडियो को इंशाल्लाह लाइक भी करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपने फीडबैक से भी नवाजते रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड, दैट व्हाट इज़ अ लाइब्रेरी और इसकी डिफिनीशन क्या है. लाइब्रेरी फ्रॉम फ्रेंच वर्ड्स लाइब्रेरी लैटिन लाइबर विच मीन्स बुक इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल टू डिफाइंड कम्युनिटी फॉर रेफरेंस और बोरोइंग. लाइब्रेरी का जो लफ्ज़ है ये फ्रेंच लाइब्रेरी से निकला है और लैटिन लाइबर से जिसके मानी है बुक, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन जहाँ पे रिसोर्सेज पड़े होते हैं. रिसोर्सेज बुक्स फॉर्म में होते हैं, हाँ प्रिंटेड फॉर्म में और नॉन प्रिंटेड फॉर्म में, और कम्युनिटी या जो कम्युनिटीज को सर्व करती है, रेफरेंस सर्विसेज भी देते हैं, बॉरोइंग सर्विसेज भी देते. इट प्रोवाइड्स फिजिकली एज वेल एज डिजिटली एक्सेस टू मटेरियल. मतलब लाइब्रेरी में दो किस्म के आइटम होते हैं, या डिजिटली एक्सेस होती है या प्रिंटेड फॉर्म में होती है. मैं बी फिजिकली बिल्डिंग अ रूम, ये एक फिजिकली बिल्डिंग में ऑक्यूपाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं बुक्स और नॉन बुक्स मटेरियल. और अ वर्चुअल स्पेस, आजकल जो लाइब्रेरी हैं वो तो वर्चुअल स्पेस में भी अवेलेबल है. मतलब जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी और बोथ. बोथ से मुराद हाइब्रिड लाइब्रेरी जिसमें फिजिकल सर्विसेज भी दी जाती है और इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज भी दी जाती है. लाइब्रेरीज कलेक्शंस कैन इंक्लूड बुक्स, पीरियडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, मैनुस्क्रिप्ट्स, फिल्म्स, मैप्स, प्रिंट्स, डॉक्यूमेंट्स, माइक्रोफॉर्म, सीडीज, कैसेट्स, वीडियो टेप्स, डीवीडीज, ईबुक्स, ऑडियो बुक्स, डेटाबेसेस एंड अदर फॉर्मेट्स. लाइब्रेरी में पुराने जमाने में लाइब्रेरी में दो चीज़ें होती थी, अखबारें होती थी, पीरियडिकल होते थे और बुक्स होती थी. आजकल की जो लाइब्रेरी हैं जो एडवांस कंट्रीज में हो, चाहे पाकिस्तान की कोई डेवलप्ड लाइब्रेरी हो, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें एग्जिस्ट करती है जिसमें बुक्स भी आ जाती है, पीरियडिकल्स भी आ जाते हैं, न्यूज़पेपर्स भी आ जाते हैं, मैनुस्क्रिप्ट्स भी आ जाते हैं, फिल्म्स भी आ जाते हैं, मैप्स भी आ जाते हैं, प्रिंट्स भी आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में भी चीज़ें पड़ी होती है, माइक्रोफॉर्म में, सीडीज में, कैसेट्स में, वीडियो टेप्स में, वीसीआर वगैरह के कैसेट्स भी होते हैं, डीवीडीज भी होती है, ई बुक्स भी होते हैं, ऑडियो बुक्स भी होते हैं, डेटाबेसिस भी होती है और बहुत सारी फॉर्मेट में चीज़ें अवेलेबल होती हैं. मतलब फोटो गैलरीज भी होती हैं, मैप्स भी होते हैं. कोई मतलब ग्लोब देखना चाहते हैं, मैप्स देखना चाहते हैं, रील देखना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें. लाइब्रेरीज रेंज इन साइज फ्रॉम अ फ्यू शेल्फ्स ऑफ बुक्स टू सेवरल मिलियन आइटम्स. कुछ लाइब्रेरियाँ जो है ना जो अहाता करती है बहुत छोटी शेल्फ्स फॉर्म में, और कुछ लाइब्रेरियाँ जो है ना मिलियन आइटम्स ऑक्यूपाई करते हैं. मिसाल के तौर पे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की मैं मिसाल दे दूँ कि उसमें मिलियन आइटम्स पड़े हुए और हर सब्जेक्ट पे हर किस्म की मवाद, वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी कहलाती है. इन लैटिन एंड ग्रीक द आइडिया ऑफ बुक केस इज प्रेजेंटेड बाय बिब्लियोथेका. पुराने ज़माने में लैटिन और ग्रीक में इसको बिब्लियोथेका कहलाता था, एंड बिब्लियोथीक ग्रीक वर्ड है. जैसे ही रस्मुलखित में लिखा गया है, डेरिवेट्स ऑफ दीज मीन लाइब्रेरी इन मेनी मॉडर्न लैंग्वेजेस. अब फ्रेंच में इसको बिब्लोथीक कहते हैं और यूनान में इसको बिब्लोथेका, बिब्लोथेके वगैरह कहलाता था. तो ये डिफिनीशन है लाइब्रेरी के बारे में कि लाइब्रेरी की मतलब शुरुआत कहाँ से, लेबर से, लाइबर से शुरू हुई थी. लाइबर से मुराद बुक, और फ्रेंच में लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से मुराद इससे लिया जाता था कि अ प्लेस वेयर बुक्स आर कलेक्टेड. तो ये तो लाइब्रेरी के बारे में थोड़ी सी डिफिनीशन थी. अब मैं इसके मेन टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज कितनी है. देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ अ लाइब्रेरी व्हिच आई शैल आउटलाइन इन द रेस्ट ऑफ दिस लेसन. दीज आर पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, एकेडेमिक लाइब्रेरीज,
नेशनल लाइब्रेरी, ये एकेडमिक लाइब्रेरीज को मैंने मतलब जमा फॉर्म में इसीलिए लेके लिखा है कि इसमें बहुत सारी लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी की भी अकसाम है, स्पेशल लाइब्रेरी की भी अकसाम है, एकेडमिक लाइब्रेरीज की और नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी अमूमन एक कौम की एक ही लाइब्रेरी होती है, जैसे पाकिस्तान की नेशनल लाइब्रेरी इस्लामाबाद है, तो हर कंट्री की एक नेशनल लाइब्रेरी होती है। अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। तो ये मैं अब थोड़ा सा डिफाइन करूँ कि पब्लिक लाइब्रेरीज आर सर्व्स कम्युनिटीज ऑफ ऑल टाइप्स एंड साइजेस। पब्लिक लाइब्रेरी जो है ना कम्युनिटी की खिदमत देते हो, कोई भी कम्युनिटी हो जिसमें जो लाइब्रेरी बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी। वेयर यू लिव, जहाँ पे तुम रहते हो ना वहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है, मतलब अर्बन लाइब्रेरीज है, और आजकल तो डिस्ट्रिक्ट तहसील के लेवल पे भी लाइब्रेरियाँ बनाई हुई। देयर आर बाउंड टू बी अ लोकल पब्लिक लाइब्रेरीज नियर बाय, मतलब आप जहाँ कहीं भी रहते हैं तो आपके आसपास करीबी कोई ना कोई लाइब्रेरी बनाई जाती है। डिवेलप्ड कंट्री में तो बहुत ज़्यादा है, जो अंडर डिवेलप्ड और डिवेलपिंग कंट्रीज है इसमें अभी लाइब्रेरियों की जो ना तादाद बढ़ती जा रही है। एज द नेम एम्प्लाइज, पब्लिक लाइब्रेरी सर्व द जनरल पब्लिक, नाम से जाहिर होता है कि पब्लिक लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि जनरल पीपल, जितने लोग उस सोसाइटी में रह रहे, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव ये कि बच्चों से लेकर बड़ों तक जो है ना, और जब तक आप जिंदा है आपको ये सर्विसेज मुहैया करती है। एज मोर देन वन पब्लिक लाइब्रेरियन हैज बीन हर्ड टू से, यहाँ पे अगर लाइब्रेरी छोटी हो तो एक लाइब्रेरियन इस पब्लिक लाइब्रेरी को चलाते हैं, अगर लाइब्रेरी बड़ी हो डिस्ट्रिक्ट सतह पे हो या प्रोविंशियल सतह पे, तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस भी होते और बहुत सारे एक्सपर्ट लाइब्रेरियंस भी होते। पब्लिक लाइब्रेरीज ऑफन हैव डिपार्टमेंट दैट फोकस ऑन एरियाज ऑफ सर्विस। जो पब्लिक लाइब्रेरीज है उसमें डिपार्टमेंट मुख्तलिफ होती है और वो मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम देते हैं, सच एज यूथ सेक्शन उसमें अलग होता है, टीन्स एंड एडल्ट्स के लिए अलग होता है। पब्लिक लाइब्रेरीज आर फर्दर डिवाइडेड इन टू एसोसिएशन लाइब्रेरी, मतलब डॉक्टर की कोई एसोसिएशन है और उसकी लाइब्रेरी को एसोसिएशन लाइब्रेरी कहते हैं, या इंजीनियर की एसोसिएशन है, या लॉ की कोई एसोसिएशन है। म्यूनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी उस लाइब्रेरी को कहते हैं जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर बनाई जाती है, जो पब्लिक को मतलब जो म्यूनिसिपल में जितने लोग उस एरिया में रह रहे हैं उसकी सर्विसेज में म्यूनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी काम करती है। स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी अक्सर स्कूल के बच्चों के लिए ना डेवलप्ड कंट्री में स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी के नाम पे बनाई जाती है, जिसमें स्कूल की जो ना सिलेबस की और फिक्शन नॉन फिक्शन किताबें रख दी जाती हैं। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लाइब्रेरियाँ होती है इसमें डिस्ट्रिक्ट की तारीख की बुक, फिक्शन नॉन फिक्शन, ड्रामा, लिटरेचर और इस किस्म की बुक्स, कुछ ना कुछ इसमें करिकुलम की बुक भी कवर की जाती है, तो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। स्पेशल लाइब्रेरीज, स्पेशल लाइब्रेरीज ऑफ ऑफर यूनिक अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट ऑफ इंटरेस्ट। स्पेशल लाइब्रेरीज वो होती है जो कि एक खास तबके के मतलब लोगों को वो खिदमत देती है, सच एज ए कारपोरेशंस, हॉस्पिटल्स, मिलिट्री, म्यूजियम, प्राइवेट बिजनेसेस एंड दी गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट की कुछ लाइब्रेरियाँ हैं, कुछ जो है ना हॉस्पिटल्स में होती है, कुछ मिलिट्री में होती है, मिलिट्री सर्विसेज, मिलिट्री की किताबें, म्यूजियम लाइब्रेरी, प्राइवेट बिजनेसेस की भी लाइब्रेरियाँ होती है, उसको स्पेशल लाइब्रेरीज कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च पे काम कर रहे हैं तो वो जिस थीम पे कर रहे हैं तो उसी थीम की किताबें रखते हैं। हॉस्पिटल में हेल्थ से रिलेवेंट जो है ना सर्विसेज देते हैं, और मिलिट्री में मिलिट्री की किताबें, कारपोरेशंस किसी भी कॉरपोरेशन में मुख्तलिफ सब्जेक्ट के थीम को कवर करती है, सच एज द ब्लाइंड एंड फिजिकली हैंडीकेप। स्पेशल लाइब्रेरी जो है ना फिजिकली हैंडीकेप लोग के लिए भी होती है डेवलप्ड कंट्री में, यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी या पब्लिक लाइब्रेरी में हैंडीकेप और फिजिकली या ब्लाइंड या जितने भी लोग हैं इम्पेयर्ड, फिजिकली इम्पेयर्ड लोग, इनके लिए भी एक लाइब्रेरी बनाई जाती है। वाइल अदर्स आर डेडिकेटेड टू स्पेशल कलेक्शन, सच एज द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आर अ प्रेजिडेंशियल लाइब्रेरी। अब अगर पाकिस्तान में भी देखा जाए तो इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट हाउस में अपनी लाइब्रेरी, प्राइम मिनिस्टर की अपनी लाइब्रेरी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, सुप्रीम कोर्ट की अपनी लाइब्रेरी है, तो ये एक स्पेशल नवीयत की जो है ना स्पेशल नेचर की चीज़ें रखती है, तो उसको स्पेशल लाइब्रेरी कहते हैं। स्पेशल लाइब्रेरीज हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इन टू कॉरपोरेट लाइब्रेरीज। कॉरपोरेट जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एसोसिएशन या बिजनेस कम्युनिटी को सर्विसेज मुहैया करती, गवर्नमेंटल लाइब्रेरीज
मेडिकल लाइब्रेरीज, लार्ज लाइब्रेरीज, ला फर्म्स के जितनी लाइब्रेरी है उसको ला लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, क्योंकि उसमें ला की स्पेशल चीजें होती है। न्यूज लाइब्रेरीज, आजकल जो न्यूज चैनल्स है तो उनकी भी अपनी छोटी लाइब्रेरी होती है जिसमें हर चीज आर्काइव करती, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूज लाइब्रेरी। तो ये स्पेशल लाइब्रेरीज की कुछ अकसाम है जो कि मैंने हाईलाइट कर दिए। एकेडेमिक लाइब्रेरीज, एकेडेमिक लाइब्रेरी सर्व्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। जनरली जो ना ये एकेडेमिक लाइब्रेरीज सर्विसेज किसको दे देती है, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में, दिए स्टूडेंट स्टाफ एंड फैकल्टी मेंबर्स। अच्छा, इन्हीं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट्स और या फैकल्टी मेंबर्स को सर्विसेज दी जाती है। लार्जर इंस्टीट्यूशंस में हैव सेवरल लाइब्रेरीज ऑन देयर कैंपस डेडिकेटेड टू सर्टेन पार्टिकुलर स्कूल सच एज लॉ एंड साइंस लाइब्रेरीज। मैनी एकेडेमिक लाइब्रेरीज बिकम स्पेशलिस्ट इन एन एरिया ऑफ नॉलेज एंड कैन हैव फैकल्टी स्टेटेड हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। एकेडेमिक लाइब्रेरी को मतलब वो लाइब्रेरी कहलाती है जो कॉलेजेस में सर्विसेज करती है, दे देती है, और यूनिवर्सिटियों में, और उसके जो लाइब्रेरियन होते हैं वो भी मास्टर डिग्री होल्डर होते हैं और वो एक्सपर्ट होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, उसने मास्टर या किया होता है या एमफिल या पीएचडी की होती है। अच्छा, एकेडेमिक लाइब्रेरी से तो जो लाइब्रेरियन एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि स्कूल लाइब्रेरी एकेडेमिक लाइब्रेरी में नहीं आती, ये एक सेपरेट कॉर्नर है, एक सेपरेट सेक्शन है। लेकिन क्योंकि इन लाइब्रेरी का काम स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर्स को सर्विसेज देना है, इसीलिए इसको एकेडेमिक लाइब्रेरीज में कभी शुमार किया जाता है, कभी नहीं शुमार किया जाता। आई होप सो दैट यू माइट लाइक दिस लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि जितने लाइब्रेरियंस हजरात है या लाइब्रेरी साइंस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, और जो उर्दू जुबान को भी समझते हैं, अंग्रेजी को समझते हैं, उनके लिए इंतहाई कारआमद लेक्चर है। और आप अपने फीडबैक से भी नवाजते रहें, साथ ये भी मुझे बताएं कि जिस जिस टॉपिक पे लाइब्रेरी के हवाले से लेक्चर तैयार करने, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम ऐसे ऐसे लेक्चर भी तैयार करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की लेक्चर पसंद भी आई होगी और आप सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।